हाय गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में। आज हम इस वीडियो में 6 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत फर्स्ट टाइम किस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फाल्कन 9 रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसरो ने घोषणा की है कि भारत गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 या GSAT-N2 को लॉन्च करने के लिए SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा। इस भारतीय मिशन का आगाज इस वर्ष यानी 2024 की दूसरी तिमाही में किया जा सकेगा। GSAT-20 के बारे में बात करते हैं तो GSAT-20 को CMS-3 या GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। फाल्कन 9 एलन मस्क पॉपुलर एरोस्पेस कंपनी SpaceX द्वारा विकसित 2-स्टेज रॉकेट है। इस रॉकेट की ऊंचाई 70 मीटर है और इसका डायमीटर 12 मीटर है और इसका मास 549,054 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, चिल्का झील में हाल ही में एनुअल बर्ड सेंसस शुरू हुआ है। ओडिशा की चिल्का झील में 100 से अधिक पक्षी वैज्ञानिकों कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं द्वारा पक्षी गणना शुरू की गई है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडिया के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर चिल्का झील स्थित है। दया रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चिल्का झील ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट पुरी, गंजाम और खुदरा में फैली हुई है। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में चिल्का झील को चुना गया है। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख झीलें के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भ्रूग, मछलियाल, रेणुका, सूरजताल झील स्थित है और जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, अनंतनाग, बेरीनाग झील है और लद्दाख में तांगबोंग स्तो झील है। उत्तराखंड में झीलों का नाम ताल से शुरू होता है तो आपको याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसमें नैनीताल, डोडीताल, रपसताल झील स्थित है और तमिलनाडु में कोडाइकनाल और कालीवेली झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हट्टी कम्युनिटी बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज़ बीन गिवन ST स्टेटस? हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे ST का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में ST का दर्जा दिया है। हट्टी कम्युनिटी मेंबर्स संविधान शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट अधिनियम 2023 को लागू करने और समुदाय को यानी कम्युनिटी को ST के रूप में अनुसूचित करने की मांग कर रहे थे। आर्टिकल्स 342(1) के तहत राष्ट्रपति किसी स्टेट या यूनियन राज्य के क्षेत्र के संबंध में उपराज्यपाल के परामर्श के बाद उस स्टेट या यूनियन राज्य के क्षेत्र में जनजातियों, कम्युनिटीज, ट्राइब, पार्ट ऑफ ट्राइब्स कम्युनिटी इन द स्टेट, जनजातियों, जनजातीय समुदाय के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ड्रोन मिशन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट टीम के द्वारा 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन योजना को तैयार किया है। ड्रोन का इस्तेमाल सर्वेलेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जाएगा। राज्य भर से 6 क्षेत्रीय और 12 जिला स्तरीय केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में हाल ही में रानी दुर्गावती अन्न योजना शुरू हुई है।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रमोट द प्रोडक्शन करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत श्री अन्न, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहाँ पर जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल मोंगू भाई छगन भाई पटेल जी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। दिनेश के त्रिपाठी वाइस एडमिरल संजय जी सिंह की जगह लेंगे। इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं तो भारतीय इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। इंडियन नेवी का मोटो क्षम नो वरुण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी है एंड नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किसके बीच खेला गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे छोटा 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है। इसका आयोजन केपटाउन में किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम केपटाउन के न्यूजीलैंड मैदान पर जीत हासिल करने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल विच कंट्री हैज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात का आर्टन कैपिटल के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट है। आर्टन कैपिटल ने 2024 के लिए यूएई के पासपोर्ट को मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माना है। यूएई के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 180 है, यानी यूएई के नागरिक 180 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। और दूसरे स्थान पर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है। और तीसरे स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 66 है और भारतीय पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 77 है, यानी पासपोर्ट धारक 77 देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों और 6 यूनाइटेड नेशन टेरिटरीज समेत 199 पासपोर्ट का मूल्यांकन कर उनकी रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गुणोत्सव 2024? किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, असम गवर्नमेंट ने हाल ही में गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है। असम गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2024 हाल ही में लॉन्च किया है। गुणोत्सव का उद्देश्य 35 जिले के 43.498 गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाली लगभग 40 लाख स्टूडेंट को प्रदर्शन का मूल्यांकन देना है। गुणोत्सव असम गवर्नमेंट द्वारा मुख्य के सभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलों में प्रदर्शन करने के लिए इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बुरहानपुर को हाल ही में 2023 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित सेल ट्रिलियंट भारत उत्सव 2024 का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इस इवेंट में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले को केला प्रोसेसिंग के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 से दिया गया है। बुरहानपुर की मुख्य फसल केला उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया गया है। बुरहानपुर जिले मैन्युफैक्चरिंग के लिए केला चिप्स, केला पाउडर, राखियाँ, साज सज्जा की वस्तुएं सहित अन्य उत्पादन निर्मित के लिए नई दिल्ली में आयोजित सेल ब्रिलियंट इंडिया उत्सव 2024 में मध्य प्रदेश के
बुरहानपुर जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।